और धनबाद में झार एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन को लेकर लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपको बता दें, धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी प्रखंड सभागार में वन विभाग द्वारा वन अधिकार और झार एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जानकारी के अभाव में पंचायत के वन अधिकार समिति के सदस्यों की उपस्थिति बहुत कम देखी गई। प्रशिक्षण शिविर में गिने चुने लोग ही नजर आए। वन विभाग के जिला CSO चंदन दास ने बताया कि झार एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऐप के माध्यम से लोग वन विभाग के जमीन का रजिस्ट्रेशन कराकर पट प्राप्त कर सकते हैं और इसी के मद्देनजर लोगों को प्रशिक्षित करने की पहल की जा रही है। देखिए, आज प्रखंड सभागार में झार FR एक ऐप को रजिस्ट्रेट करने को लेकर के जितने भी हमारे पूर्वी टुंडी प्रखंड के जितने भी गांव के ग्राम में जो चुना गया है अध्यक्ष सचिव, उनको बुलाया गया था। वो ऐप को रजिस्ट्रेट करने को लेकर के बुलाया गया था और ऐप के माध्यम से जो दावा पत्र होगा उनको, वो ऐप के माध्यम से उनको जो है आगे की कार्रवाई वो लोग करेंगे। इस प्रक्रिया को लेकर के आज जो है यहाँ पे बैठक किया गया था, लेकिन उपस्थिति बहुत कम रही है। अब आने वाले समय में इसको देखा जाएगा और लोगों को शायद जागरूकता की कमी है, लोग जान नहीं पाए हैं और इसको लेकर के लोग उतना सजग अभी नहीं हुए हैं, जिसको लेकर के मतलब लोग जानकारी का अभाव कहाँ रहा और लोगों को जानकारी क्यों नहीं है? जानकारी का अभाव ऐसा है कि यहाँ पे लोग वन पट्टा को लेकर के जो वन अधिकार कानून है, इस कानून को लेकर के लोग नहीं जान पाए हैं। जी, हरेक पंचायत में समिति का भी गठन किया गया जी, उसमें सदस्य भी जुड़े हुए हैं, आखिर उन सदस्यों का आना भी पर्याप्त? बिल्कुल बिल्कुल, उसी के लिए इसका इस पर किनका चलते ये हम लोग जो है उसी को लेकर के हम लोग प्रयास। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहाँ आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहां के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, JP Morgan और JPT, TCS, विप्रो, ITC, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलेवर जैसी 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड च्वाइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को JPT कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजोन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।